हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी सो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो चलिए यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट। शाम के 5 बज गए हैं, उसके बाद भी काफ़ी धूप है यहाँ पर। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरे भाई के शॉप का है, तो चलिए मैं आपको अपने भाई की शॉप दिखाती हूँ। वैसे तो हमने ये शॉप जो है 3 साल पहले ही ओपन कर ली थी, बट वो पहले मार्केट में थी और जब लॉकडाउन लगा तो फिर हमने क्या किया कि उसे घर पे ही अपनी शॉप को ले आए, क्योंकि ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, रेंट भी देना पड़ता था इतना ज़्यादा। तो फिर हमें आइडिया आया कि क्यों ना उसे घर पे ओपन कर लिया जाए। तो चलिए मैं आपको अपने घर की शॉप दिखाती हूँ। और अपने भाई बैनर है जो हमने अपनी शॉप के लिए बनाया था, रन क्लब नाम से है ये बैनर। और फिर उसके बाद हमने इसमें क्लोथिंग भी ऐड कर ली थी, तो फिर हमने माँ दुर्गा कलेक्शन नाम से ये हमारा बैनर बन गया था। आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते। ये है हमारी शॉप के बैनर और ये है हमारा शॉप पे जाने का रास्ता, यहाँ से हम अपनी शॉप पर जाते हैं। तो ये हमारी शॉप है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी शॉप है जिसमें बॉयज़ की खूब सारी शर्ट्स लगी हुई हैं, जो कि आजकल चल रही है, काफ़ी ट्रेंड में है ये शर्ट्स। और ये हमारी लोवर हो गई, और जो गर्ल्स का भी है वो हमने धीरे धीरे स्टॉक रखना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए, और मम्मी ने हमारे स्वागत के लिए गेट खोल दिया है। हेलो तो ये है हमारी शॉप। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। और अपने भाई से काफी अंधेरा हो रहा है क्योंकि बाहर से लाइट पड़ रही है। वैसे हमने लाइट ओपन कर रखी है, बट वो बाहर से ज्यादा लाइट पड़ती है तो आपको पता है ना कैमरे का इफेक्ट, तो वो चीज है। तो चलिए पहले मैं आपको अपने भाई से मिलाती हूँ और थोड़ा सा हम यहाँ हमने सामान रखा उसके बारे में थोड़ा सा। ये हमारा कलेक्शन जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वेयर भी मिलेगा और रेगुलर वेयर भी मिलेगा, एक्टिव वेयर बोलते हैं जिसे, वो भी मिलेगा। और शूज़ भी रखे हुए हैं काफ़ी, और शर्ट वगैरह भी मिल जाएगी। अभी हमने धीरे धीरे गर्ल्स का भी कलेक्शन रखना स्टार्ट किया है, वो अभी कम ही है पर हम रख रहे हैं धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग ही। और देखिए शर्ट भी देखिए कितना प्यारा है, कितने प्यारे कलर है ना। और ये कुर्ती हो गई, ये देखिए यहाँ पे भी टी शर्ट्स के सारे कलेक्शन हैं। यहाँ पर भी है, जींस वगैरह भी रखे हुए हैं। लोवर्स हो गए, जींस हो गए, सब कुछ आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रेट पे मिलेगा कि बिल्कुल आप खुश हो जाओगे कि यार इतना सस्ता मिल रहा है। 200-200 की टी शर्ट्स मिल रही है। मैंने आपको सारा दिखा दिया है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, जो मतलब आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। टी शर्ट्स हो गई, रियॉन के कपड़े में होती है, काफ़ी मतलब कि इतनी सॉफ्ट भी है और गर्मी के पर्पज़ से तो बहुत ही अच्छी है। एक टी शर्ट तो मैंने भी इसमें से टॉप ली है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। और चलिए तो मैं आपको अपने भाई से मिलाती हूँ और थोड़ा उससे पूछती हूँ, क्या पता आप भी अगर अपनी शॉप ओपन करना चाहते हो तो आपकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलो मैं आपको अपने भाई से मिलाती हूँ। मेरे जो यूट्यूबर्स प्यारे से दोस्त हैं उनके लिए हेलो। हेलो। तो ये मेरा भाई है, और मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का ये भी है कि मैं अपने जो शॉप है इसका जो है एडवर्टाइजमेंट भी कर सकूं। और दूसरा रीज़न ये है कि आजकल मतलब लॉकडाउन की वजह से भी वैसे भी काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं, तो फिर उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। अगर वो भी अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो मेरा भाई उन्हें काफ़ी अच्छी टिप्स दे सकता है, क्योंकि हमारी शॉप तो बहुत अच्छी चल रही है, तो उस हिसाब से वो भी टिप्स दे देगा आपको। तो चलो मिलते हैं मेरे भाई से। बोल, कुछ बताओ। बोल, क्या पूछ। यार ऐसे तो मैंने आज तक किसी से पूछा भी नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैं क्या पूछूं। अच्छा, वैसे टी शर्ट्स वगैरह के बारे में बताना कि किस रेंज से स्टार्ट है। टी शर्ट हमारे पास कॉटन में मिल जाएगी और आपका ड्राई फिट में मिल जाएगी, ठीक है, और आपका फोर वे लाइक्रा। हाँ, इतनी सारी कैटेगरी है, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। और रेंज क्या क्या है इनकी? रेंज हमारे पास 200 से स्टार्ट है। हाँ यार, मतलब 200 में, मतलब की सोचो यार इतना सस्ते में मिला, 200 क्या होता, पर कपड़ा बहुत अच्छा है। चलो देखते हैं। जैसे कि आपकी टी शर्ट है, ठीक है, ये आपका बैक प्रिंट है, ठीक है,
ये आपका डिजिटल प्रिंट कहलाता है, क्योंकि एक कपड़े में ही इसका कलर किया जाता है, कपड़ा इसका। इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो प्रिंट है ना, डिजिटल प्रिंट है, मतलब ऊपर से प्रिंट नहीं है कि आप कपड़ा खींचोगे और फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये डिजिटल कपड़े पे ही जो उसके धागे होते हैं, रेशे होते हैं, उस पर प्रिंट किया गया है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो ये, और काफी अच्छा लुक भी दे रहा है। ये आप करवा भी सकते हो। अरे बताना कि अगर कोई अपनी शॉप खोलना चाहता है तो उसको, मतलब अगर वो हमसे होलसेल में लेगा तो किस प्राइस में लेगा, क्या है, कैसे बताना? तो आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वीडियो में हम नहीं बता सकते ना। हाँ, ये भी है क्योंकि हमारे काफ़ी काशीपुर से लेते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप भी अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगी, और आप मतलब कि होल सेल में ले सकते हैं, वो मेरा भाई आपको करवा देगा। और वैसे भी हमने ये रिटेल प्राइस है हमारा 200, इससे बस 30-40 रुपये आपका माइनस रहेगा, ये हमारा होल सेल प्राइस होता है। ये सोच लो कि होल सेल प्राइस में हम रिटेल में हम दे रहे हैं कस्टमर को। और दूसरी बात ये भी कि अगर आप मेरा नाम लेके लोगे तो 5 रुपये और कम कर देगा, है? 5 रुपये और कम हो जाएगा, 5 रुपये और कम कर देगा, और क्या चाहिए? और शर्ट्स में आपको कॉटन शर्ट मिल जाएंगी। अरे वाली शर्ट दिखा जो वियॉन वाली प्रिंटेड में, वियॉन में जैसे मैंने पहन रखी है, आप देख सकते हो। ये इसने मतलब 2 दिन से पहन रखी है और कंफर्ट है, बहुत ही लाइट वेट है, सो भी गया इसमें। उसके बाद भी मतलब कि जैसे टी शर्ट पहनते हैं हम रेगुलरली, तो वो जैसे हमें कंफर्ट देती है। कलेक्शन दिखाता हूं मैं आपको, रियॉन में प्रिंट आता हूं, जैसे कि आपका ये की प्रिंट है, दिख रहता है आपका, बहुत ही लाइट वेट रहता है, ठीक है। और ये A1 रियॉन होने वाला है, ठीक है। और इसकी प्राइस ओनली 250 रख रही है मैंने अपने यहाँ पर मार्केट में। यार मैं पता है आपको एक चीज़ और बता दूँ, मुझे हंसी आ रही थी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे भाई ना कस्टमर को डील करते करते इसकी ना लैंग्वेज भी ऐसी हो गई है कि आपका A1 रहेगा, ऐसे टाइप की। मतलब हम जैसे रेगुलरली आपस में बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ इस तरीके से करते हैं, पर इसकी लैंग्वेज से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा जैसे कि मैं दुकान के प्रमोशन या फिर उस टाइप की कोई वीडियो बना रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं। यार ये तो जरा इसकी लैंग्वेज ही ऐसी हो गई, ये नॉर्मली हमसे ही बात करता है तो ये हमसे भी ऐसी बात करता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा। और ये है दूसरा कलर, ठीक है, ये आपको ये मिलेगा, ये कॉटन में, ठीक है। ऐसे मेरे पास 30-35 प्रिंट हो गया अभी रियॉन में, ठीक है। और ये मैं आपको 250 में सेल आउट करता हूँ रिटेल में, अगर होलसेल में चाहिए तो मैंने आपको बताया दिया है 30-40 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये मेरे भी नाम लोगे तो मेरा अगर नाम लिया तो 5 रुपये वो भी माइनस हो जाएंगे। और जो मुंबई दिल्ली में जो आपको प्राइस मिलता है होलसेल का, वही मैं आपको प्राइस दे दूंगा, चाहे आप यूट्यूब में आप सर्च भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। आप अपने लोकल मार्केट में आप रिटेल काउंटर में आके आप पूछ सकते हो कि रियॉन फैब्रिक की शर्ट्स आपको हाफ में कितने में सेल आउट कर रहे हैं, उससे 50 रुपये महंगा ही होगा, 30-40 रुपये महंगा ही होगा। अगर बराबर भी होगा तो जब भी मैं 10-10 रुपये सस्ता करके दे दूंगा। और इसमें मेरे पास 30-35 आर्टिकल होंगे, और इसमें तो मेरे पास बहुत आर्टिकल है, इसमें मेरे पास आपका 30, इसमें आपका 40-50 समथिंग इसमें मेरे पास आर्टिकल है, जिसमें मैंने आपको बैक प्रिंट दिखाया, ठीक है, फ्रंट से प्लेन है। उसके बाद एक इसमें आपका फ्रंट ये है, आपका ये आपका फ्रंट प्रिंट है, ठीक है, सब डिजिटल प्रिंट रहेगा इसका, आपको कलर की प्रिंटिंग की प्रॉपर गारंटी रहेगी, तो उनको एक चाहिए रहता है कि एक जैसी टी शर्ट हो या फिर इस टाइप से कुछ चाहिए, पैटर्न चाहिए रहता है, तो हम ऑर्डर करके वो भी बनवा देते हैं। तो देखो मेरी आंटी जी भी आ गई, ये आंटी तो मेरी हर वीडियो में आ जाती है, कोई फेमस होना हो मेरी आंटी जरूर फेमस हो जाएगी, इन्हें खुशबू आ जाती है, खुशबू वीडियो बन गया, और फिर हर बार ये बोलती है कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है, और फिर देखो आई जाती है मेरी वीडियो में। आपको पता है ये जो सूट है ना, आपको पता है ये जो सूट आंटी ने पहन रखा है, ये मैंने बनाया था उनके लिए, कितना अच्छा लग रहा है ना, आंटी भी अच्छी लगी है सूट में, यार यहाँ से रोशनी नहीं आ रही। आपको अच्छा नहीं लगता? जो मेरे यूट्यूबर लोग है ना वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, तो
चलो अब मतलब आंटी अभी हमारी कॉलोनी की आंटी बन के नहीं आई, कस्टमर बन के आई है, तो हमारे शिवनी ने खा लिया। शॉप की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगी। बट अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, शॉप में भाई का व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दूँगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए या फिर कोई होलसेल में कुछ टी शर्ट चाहिए या फिर अपने वैसे रेगुलर ऑर्डर के लिए चाहिए तो फिर आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको घुमाती हूँ, अपना थोड़ा एरिया घुमाती हूँ शाम का टाइम। देखिए वो हमारी कॉलोनी की रोड है, कुछ सीधे ही मेरे पापा और मेरी बेटी दोनों घूमने गए क्योंकि वो काफ़ी रो रही थी, सो के उठी थी तो इसलिए उसे घुमाने के लिए ले गए, तो गए हुए हैं घूमने। ये हमारी कॉलोनी में घर बन रहा है, उनके ईंटें यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो देखो मेरे पापा जी आ रहे हैं और मेरी बेटू रानी भी आ रही है, कान से कुछ लेके आ रही है अपने लिए खाने के लिए, आ गई है वो। अच्छा तो मेरे पापा आ गए, तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं आटा पिसवाने, आटा नहीं गेहूं पिसवाने जा रहे हम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हम गेहूं पिसवाने जा रहे हैं, पापा हमें पीछे की गली में जाना है, पापा साइकिल लेके आ रहे हैं अपने साथ, बहुत दूर जा रहे होंगे। जैसे हमारी रोड देख रहे हो आप लोग की कितने ईटे ईटे हो रहे हैं, तो सब अपना घर बना रहे हैं, जैसा लग रहा है सीजन चल रहा है घर घर बनाने का। मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करते करते ही हम शॉप पर पहुँच गए हमारे अंकल जी की। वैसे तो अगर हम घर के सामने से करेंगे तो उनका घर बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है, पर हम पीछे वाले रास्ते से आए तब तो ये है हमारी भारत कोल्हू चक्की। देखो फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम आ गए शिवपुर के लोकल के रहने वाले, तो प्लीज़ यहाँ जरूर आना, प्योर तेल मिलने वाला है सरसों का जो कि आजकल मिल नहीं रहा है कहीं, और यहाँ आपको बिल्कुल प्योर मिलेगा। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कितना प्रमोशन कर रही हूँ, कभी अपनी शॉप का कभी अपनी कॉलोनी की शॉप का, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अपना डेली का ब्लॉग बता रही हूँ। ये देखो प्यारी सी बच्ची छोड़ी जा रहा है, बहुत प्यारी और डांस भी बहुत मस्त करती है, कभी मौका मिलेगा तो आपको इसका डांस भी दिखाऊंगी मैं। चलो और क्या बताओ यार, अच्छी सी शाम हो रही है प्यारी सी, तो चलो मैं आपको अपनी कॉलोनी के बच्चों से मिलाती हूँ, वो सब खेल रहे हैं। इधर आ जाओ, ये सब बच्चे देखो मकान बन रहे हैं, मैं बोला ना कि कॉलोनी में बहुत ज़्यादा मकान बन रहे हैं, तो सब बच्चे उन मकानों में ही खेल रहे हैं। देखो कितने सारे बच्चे हैं, हेलो। अच्छा तुम लोग क्या खेल रहे हो? हम लोग गड्ढे बना रहे हैं। गड्ढे क्यों बना रहे हो? वो अंकल को गिराने के लिए। अच्छा देखो बच्चों की शैतानी, अलग अलग तरीके ढूंढते लोगों को परेशान करने के। तो पापा वहीं बैठे हैं, तो मैं जा रही हूँ घर और शाम भी काफ़ी हो गई है, तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तब तक के लिए बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।